तो गाइस पहले ये बताओ, तुम्हें स्विमिंग आता है या नहीं? तो एग्जैक्टली मुझे आता नहीं है, तो मैं जा रहा हूँ स्विमिंग सीखने। तो चलिए मिलते हैं स्विमिंग पूल में। तो गाइस आज जिस बाइक पे जाना है तो चलिए देखते हैं मोबाइल। बेसिकली मैं गांव से बिलोंग्स करता हूं, तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहां पे स्विमिंग पूल कहां पे है। तो एग्जैक्टली मेरे गांव के पास एक डैम है, मैंने वो डैम आपको मैं दिखा चुका हूं, शायद कम्प्लीटली नहीं दिखाया था, आधा दिखा चुका हूं। अभी लगभग 2 बज चुके हैं, तो अभी मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए उस डैम में, जो कि हमारे लिए एक स्विमिंग पूल है। तो वो लोग पहले ही जाके पानी में एंजॉय करने लगे हैं, तो मुझे बेसिकली पहले वीडियो बनाना था, उसके बाद पानी के अंदर जाना था, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और वो लोग ऑलरेडी जा चुके हैं। तो चलिए मैं आपको नज़ारा एक बार दिखा देता हूँ। और गाइज बेसिकली मुझे स्विमिंग जो आता नहीं है, तो मैं यहाँ आके कभी कभी बार ट्राई कर लेता हूँ। पानी के अंदर आ चुका हूँ और साथ में यहाँ पे मेरे भैया हो मुझे स्विमिंग सिखाएंगे। इधर आओ, तो हो थोड़ा आपको टिप्स दे देंगे, कभी आप ट्राई करो तो आपको भी समझ में आ जाएगा कैसे स्विमिंग करना है। तो बोलो कैसे करना है। तो भैया बस मुझे इतना पता है कि पानी के अंदर आ जाते हैं, फिर पैर को ऐसे जैसे पीछे करके साइकिलिंग की तरह हमको करना पड़ता है, और साथ में दोनों हाथ को भी ऐसे क्या बोलते हैं इसे, ऐसे करना पड़ता है, जो भी बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो कब तक मुझे तुम सिखा सकते हो? वो थोड़ा कैमरे के सामने बोल नहीं पा रहे क्योंकि उनको आदत नहीं है एक तो, और साथ में वो काफ़ी ज़ोर से हो, तो वो साथ में बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं, जिस वजह से मतलब वो कुछ जो भी बोलना चाहते हैं वो एग्जैक्टली बोल नहीं पाते। तो कोई बात नहीं, तो मिलते हैं, पहले मैं नहा लूँ, तो अगर सीख जाता हूँ तो देखते हैं। गोप्रो मेरा वाटरप्रूफ है, लेकिन मैं वाटर के अंदर डालूँगा नहीं, नहीं तो पूरा पैसा नुकसान हो जाएगा। तो इसको कैमरा को वहाँ बाहर रखते हैं और साथ में मैं नहाता हूँ फिर आ जाता हूँ। हेलो, एक तो सामने से जो हम ऐसे करते हैं और दूसरा ऐसे पीछे करके सर को, तो हम इस तरह हम ज़्यादा देर तैर सकते हैं। तो बेसिकली दोनों मुझे आता नहीं है, तो मेरे भैया को आता है, तो एक शॉर्ट करके आपको दिखाएंगे। चलो शुरू हो जाओ, ये देखो बिल्कुल ऐसे।
डुबकी लगा रहे हैं, मतलब कितना देर तक हो डुबकी लगा के रह सकते हैं, वो हमको दिखा रहे हैं। तो देखते हैं हम वो कितना देर तक रह सकते हैं और कहाँ तक आ सकते हैं। मतलब हो मुझे लगता है कि हो डुबकी लगा के सामने आ रहे हैं, तो देखते हैं। वाह क्या बात है। तो आपने देखा बिल्कुल वहाँ पे डुबकी लगाए। तो एक कुछ चीज़ें होते हैं जो हमको सीखना चाहिए, जो कि हमारे लिए हेल्पफुल रहता है। कभी आप पानी में गलती से डूब जाते हो या तैरना आता है तो आप वहाँ से बच सकते हो, या कुछ भी डूब के रह सकते हो। तो ज़्यादा देर मतलब कुछ टाइम अगर डुबकी लगा के रह सकते हो तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है।